मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, क्या काइंड ऑफ गुड आफ्टरनून ही हो गया. आज कल रात मस्त नींद ली भाई, मस्त. इतनी देर सोए, कोई जल्दी नहीं उठना, आराम से उठे, है ना. अभी निकले हैं तिलवाड़ा से और अभी जाएंगे देवप्रयाग ट्रैकिंग करके. कल मज़ा आ गया, है ना. अभी आज का दिन रिवर्स पे फोकस करेंगे ज़्यादा, तो स्टे ट्यून, दिखाता हूँ. भाई लोग अभी निकले ही थे होटल से और मैंने जाते हुए सोचा था मैं ये करूँगा, राइट. तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ. ये देखो, ये अलकनंदा रिवर है. देखो अभी हम वहाँ नीचे जाएंगे और पास से दिखाऊँगा. ये पूरी, ये जो रिवर है ये अलकनंदा रिवर है और ये केदार जो है हमारे वहाँ से आ रही है डायरेक्ट. तो अभी देखते हैं जाके क्या सीन है ना, दिखाता हूँ. अब मैं फिर से ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने शूज़ पहने हैं और मुझे पाँव उसमें डालना है. तो मैं अभी गाड़ी में जा रहा हूँ दोबारा से, चप्पल पहनेंगे फिर जाएंगे नीचे, ठीक है. मज़ा आएगा भाई. मुझे नहीं समझ में आ रहा, अभी 10 मिनट पहले होटल में जूते पहने थे, क्यों पहने थे मुझे नहीं पता. अभी फिर से चप्पल पहन लिए. भाई साहब इन पत्थरों से होके जाना पड़ेगा. ये देखो, चलो जाना तो है ही है, चलते हैं नीचे. ये देखो इन पत्थरों से, इस बड़े वाले पे चलते हैं. फाइनली आ गया नीचे. ये देखो, दिस इज अलकनंदा. ये देखो यार क्या औसम व्यू है, देख रहे हो भाई साहब. इसके लिए आते हैं केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, ये है अलकनंदा रिवर. देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है. मन कर रहा है नहा लूँ उसमें, पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है. अभी जाके देखता हूँ पानी में. ओहो भाई साहब, ओहो भाई साहब, ठंडा पानी एकदम, बर्फ से फिर आ रहा है एकदम ठंडा पानी, बर्फ. ये जितने भी साइड में पत्थर आए हुए हैं ना, ये देखो, और इस साइड में देखो, ये जितने भी पत्थर आए हुए हैं, ये 2000 जब तूफान आया था यहाँ पे, है ना, प्रलय आया था उस टाइम, जब इस नदी में बाढ़ आई थी उस टाइम ये सारे पत्थर साथ में आए. आज ये पानी यहाँ पे खूब गया, कम हो गया बहाव, और उस टाइम का ये पत्थर साथ में आए थे. ठंडा पानी, अब बैठ गए हैं यहाँ पे पत्थर के ऊपर, है ना. यहाँ पे पानी बह रहा है, मतलब मैं टांगे, एक ही टांग लटकाई है अभी, है ना यार. ऑसम व्यू, ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा ऑसम है. ये देखो, देख रहे हो यही है. बैठे हुए ना आधा घंटा हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का. घंटा हम बैठ लिए यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा था यार यहाँ बैठ के, अल्टीमेट एक्सपीरियंस.
जो नदी के पास बैठने का एक्सपीरियंस वो अल्टीमेट ही होता है। शांत ये नदी की आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लगती है। देखो पानी कब तो देखो, ये देखो इतनी बढ़िया लगती है, नहाने का मन कर रहा है इसमें। पटाखे भी जाना है, लेट हो जाऊँगा। तो ये सर है यहाँ पे, इनका होटल है। तो बेसिकली यहाँ पे खाने का भी है, ठीक है, और यहाँ पे रहने के भी रूम्स वगैरह। सर कितने रूम है आपके पास? 10-15 रूम है। तो क्या रेट वगैरह क्या रहता है? हो जाता है 500। अच्छा अच्छा, 500 रुपये के आसपास हम दे देते हैं रूम, ठीक है। और खाने का भी आप जब कपाट खुलते हैं उस टाइम पे देते हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा, जब कपाट खुलते हैं उस टाइम पे आप खाना शुरू करते हैं यात्रा के टाइम पे। इनके होटल से बहुत अच्छा व्यू है नीचे। होटल का नाम रिवर, होटल रिवर व्यू है इनके होटल का नाम। ये कहाँ पे पड़ता है एग्जैक्टली? तिलवाड़ा से पीछे, तिलवाड़ा थोड़ा पीछे। कितना पीछे तिलवाड़ा से? 3-4 किलोमीटर होगा। ओके ओके। और रुद्रप्रयाग यहाँ से 8 किलोमीटर। ठीक है ठीक है। तो यार जब भी आओ इनके होटल पे जरूर रखना, बहुत अच्छा है इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा, और नीचे जाने के लिए मेरे को अलाउ किया इन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। भाई सुबह तो ब्रेकफास्ट नहीं दिया था, राइट? तो अभी डायरेक्ट लंच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने मोस्टली दाल खाई है, येलो दाल। मैं घर पे नहीं खाता हूँ, जिसमें मैंने आता है बहुत अच्छी बनाते हैं। एक होटल देखा था बाहर का, मतलब होटल काइंड ऑफ जस्ट रेस्टोरेंट है। दाल रोटी ऑर्डर किया बस। तो भाई यहाँ पे देवलोक होटल एंड रेस्टोरेंट करके यहाँ पे खाना खाया है, दाल खाई, रोटी खाई, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भैया आपका? इन्होंने खाना खिलाया मुझे। मोहित है। अच्छा अच्छा, तो कब से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए हैं। और यहाँ पे रूम्स वगैरह भी हैं साथ में? ओके ओके। तो किस जगह पे पड़ता है ये? कितना आगे रुद्रप्रयाग से? कितना आगे है? अच्छा, रुद्रप्रयाग से जब आप वापस श्रीनगर की तरफ चलते हो ना, तो रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर बनता है। क्या भैया ने खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। आप आइए ज़रूर इनके पास, खाना खा के जाइए। भाई साहब वो सामने लैंडस्लाइड हुई है अभी मेरे सामने, तो इसी वजह से आई गेस रोक रहे हैं। ये जहाँ से मिट्टी इतनी उठ रही है उसके सामने लैंडस्लाइड सी हुई थी, राइट? ये देखो यहाँ पे जहाँ से मिट्टी आ रही है। ये देखो ये अलकनंदा रिवर है, जिनको अभी श्रीनगर यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर रह गया, और यहाँ पे डैम है जहाँ पे पानी रोक रहा है। थोड़ा थोड़ा आई गेस नीचे से थोड़ा ओवर फ्लो होने के लिए। ये देखो पानी। भाई लोग जिस चीज़ का डर था वही हुआ, देवप्रयाग वाला रास्ता बंद कर दिया हुआ है, वहाँ पे काम चल रहा है जो देवप्रयाग से सीधा ऋषिकेश जाता है, तो श्रीनगर से कटता है जो रास्ता, तो देवप्रयाग नहीं जा पाएंगे। फिर से वही लंबा लॉन्ग रूट लेना पड़ा, जो कि टेरी चंबा होके जाना पड़ेगा ऋषिकेश। लो भाई लोग ऑलमोस्ट टेरी पहुंच गए हैं। ये टेरी डैम का पानी है, देखो कितना ज़्यादा है। और बीच में देख रहे हो, ये देखो रोपवे चल रही है, ये उस पॉइंट से चली है और इस पॉइंट तक जाएगी, राइट? ये देखो ये धीरे धीरे चल रही है। तो भाई लोग अबाउट टू रीच ऋषिकेश इन हाफ एन आवर, वापिस आ गए। आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जाते हुए लंबा लग रहा था बहुत रास्ता। तो ये भी अच्छा रास्ता है, हाईवे बना हुआ अच्छा खासा, वो मैं दिखा। देखो ये अच्छा खासा हाईवे बना हुआ पहाड़ों में, रोड बहुत अच्छी है। टिहरी वाली रोड थोड़ी है, पर केदारनाथ वाला बना रहे हैं अभी, रात बन जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। वो देखो उसमें रुक जा रही है, पूरा अच्छा हाईवे बना हुआ पहाड़ों के अंदर, डबल लाइन है।